ये हिचकी है, हिचकी हमारे क्लिनिक में यही डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ही आया है। अब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ना हमारे यहाँ विदेशी टूरिस्ट बहुत आते हैं, जब वो आते हैं ना तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ तो स्ट्रीट्स बड़ी डर्टी हैं, यहाँ तो स्ट्रीट्स में काउज हैं, पर जब भी वो ऐसा कहते हैं ना मेरे मन में एक आग सी लग जाती है, क्योंकि देश से ना माँ वाला रिश्ता होता है। हम चाहे जितना मर्जी लड़ लें, हम जो मर्जी कह लें, लेकिन कोई बाहर वाला कहे ना तो बहुत बुरा लगता है। अब ऐसा ही मुझे तब लगा जब पीटा वालों ने अमूल को कहा कि भाई तुम दूध बंद कर दो। भाई मैं समझता हूँ कि पीटा को गाय भैंस की चिंता है, तो गाय भैंस की चिंता है तो ये कहो ना कि भाई काउ स्लॉटर बंद कर दो, या इंडिया से बीफ जो है मलेशिया निर्यात होता है तो तुम मलेशिया में मैकडॉनल्ड्स को बोल दो ना कि बीफ बर्गर की जगह आलू टिक्की बर्गर शुरू कर दो। अब मैं जानता हूँ कि बीफ बेच के सालाना 24,000 करोड़ की आमदनी होती है, और अगर हम काउ स्लॉटर बंद कर देते हैं तो ना सिर्फ ये आमदनी खत्म हो जाएगी, पर बल्कि जो बूढ़ी गाय भैंस है बैल है उनको संभालने के लिए डेयरी इंडस्ट्री को थोड़ा जेब से पैसा और खर्चना पड़ेगा। पर डेयरी की आमदनी सालाना 7,00,000 करोड़ है, तो क्या इसमें से कुछ पैसा खर्च करके हम बूढ़ी गाय भैंस और बैलों का ध्यान नहीं रख सकते? ना सिर्फ इससे काउ स्लॉटर रुक जाएगा बल्कि हर गांव में हम कितना ज्यादा रोजगार जनरेट कर पाएंगे। अब मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, हमारे राष्ट्र में काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट 19वीं सदी से चली आ रही है, इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती भी जुड़े हुए थे और बाद में महात्मा गांधी भी। इसी काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट के चलते 1966 में पार्लियामेंट तक एक मार्च की गई जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, और उसके बाद एक काउ प्रोटेक्शन कमेटी का गठन हुआ जिसमें पुरी के शंकराचार्य थे, आरएसएस के प्रमुख एमएस गोलवालकर और साथ ही साथ अमूल के वर्गीज क्यूरियन भी थे। और वर्गीज क्यूरियन ही थे जो काउ स्लॉटर बंद होने के विरुद्ध थे, क्योंकि उनका कहना था कि भाई अगर डेयरी वाले बछड़ों की परवरिश में पैसा खर्च करेंगे तो वो उनके लिए नुकसान दे, और अगर बूढ़ी गाय भैंस बेचेंगे नहीं तो नई गाय भैंस कहां से आएगी। तो 12 साल बाद ये कमेटी बंद कर दी गई। तो देखिए, ना तो मेरा मुद्दा नया है ना ही मेरा रास्ता। महात्मा गांधी ने कहा कि भाई अंग्रेज लोग भारतीयों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, उनके बनाए कपड़े का बहिष्कार करिए। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं कि डेयरी वाले जब तक गाय को भैंस को कटने के लिए बेच रहे हैं उनके बनाए उत्पादों का बहिष्कार करिए। तो अगर विदेशों में लोगों को डिमांड करने पे क्रुएलिटी फ्री अंडा तक मिल सकता है, तो हमारे देश में हमें डिमांड करने पे क्लीन मिल्क क्यों नहीं मिल सकता?